नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। मायसेल्फ राजीव राज सिंह। तो आज फिर से मैं एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर हूँ। कहते हैं कि मोहब्बत वो आग है जो किसी को अगर लग जाए तो उसे दर्द और दरिया का खौफ नहीं होता। मोहब्बत वो आग है, अगर किसी को लग जाए तो दर्द और दरिया का कोई खौफ नहीं होता। अब कहोगे सर, ये आपको तो नहीं लग गई, या आप क्यों गा रहे हैं? तो डेफिनेटली मुझे तो नहीं लगी है, बट ऐसे ही एक न्यूज में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शायद इस न्यूज में कुछ अपन बात कर सकते हैं, बेहतरीन न्यूज है। तो चलिए हम बात करेंगे आज के लिए उस शख्स का जिनका नाम है समर घोष। समर घोष एक ऐसा शख्स जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अगर हम बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th पास है। फादर एक किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 4th ग्रेड के जॉब करते हैं, किसी तरह घर का गुजर बसर करते हैं। तो समर्थ घोष का पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लग रहा था, तो 10th के बाद इन्होंने सब्जी बेचने का काम स्टार्ट किया। लेकिन कहते हैं ना इंडिया में, या तो जॉब करो सरकारी या नौकरी करो जॉब करो सरकारी या बिजनेस करो तो तरकारी का। तरकारी इन द सेंस बिहारी लैंग्वेज में कहा जाता है सब्जी को। समर घोष ने ऐसा ही किया, उसने सब्जी बेचना स्टार्ट किया। सब्जी बेचते बेचते वो दो किसी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आया जो बंगाल से दारू को बिहार में सप्लाई करते थे। बिहार में क्यों सप्लाई करते हैं? क्योंकि नीतीश चाचा जो है उन्होंने रेड चाय को बैन कर रखा है। अब इसके नतीजा है कि बिहार के लोग गरीब हो रहे हैं और आसपास वाले स्टेट जो है बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी खूब अमीर हो रहे हैं। तो समर घोष भी यही करता था, दो चार बोतल दारू बेचता था। बेचते बेचते समर घोष को पूरा टेक्निक पता चल गया। समर घोष ने सोचा क्यों ना खुद ही इस बिजनेस में डील किया जाए, और यही हुआ। समर घोष बिजनेस को डील करने लगा और इनकम करोड़ों की होने लगी। एक 10th पास बच्चा, पता नहीं उसको क्या आइडिया आया, उसने सोचा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड एक ऐसे शख्स को बनाऊं जिसको दुनिया देखकर हैरान रह जाए। सोचो, एक एयर होस्टेस को वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। बंदा यूपी का है, लड़की बुंदेलखंड यानी कि यूपी नहीं, यूपी और एमपी दोनों के बॉर्डर की मान लीजिए, वहां की है। अब समझ में ये आइडिया अपना कि एयर होस्टेस को ही गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और उसी से ही शादी करूंगा। इसके लिए समर घोष ने क्या किया, सिलीगुड़ी से फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइट बुक किया दिल्ली के लिए, पहली बार आया। और उसने एयर होस्टेस को देखा और पसंद किया। अब उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। इसके लिए उसने उस फ्लाइट के सारे टाइम टेबल निकाले कि सिलीगुड़ी से दिल्ली कब कब और कितने बजे आते हैं। और इसके लिए उसने 50 बार सिर्फ सिलीगुड़ी से दिल्ली की बुकिंग करवाई, 50 टाइम्स। और बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास में बिजनेस क्लास में सफर किया और एयर होस्टेस पे बेइंतहा पैसे की बारिश की। नतीजा ये हुआ कि एयर होस्टेस भी उसके कमाल की जिंदगी गुजार रही थी कि 10th पास बंदा एयर होस्टेस सोचिए, कमेंट कीजिएगा कि आप क्या कहते हैं।
सही है।